प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच को लेकर न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बुधवार से हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने गुरुवार को भी सामूहिक अवकाश लेकर न्यायालय परिसर में रैली निकालकर अपना विरोध तथा आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान न्यायिक कर्मचारी सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की सीबीआई जांच तथा उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ब्यावर से सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य ठप रहा। न्यायालय परिसर में निकाली गई आक्रोश रैली में न्यायिक कर्मचारी सावरलाल वैष्णव, घनश्याम सिंह सारण, सुनील दग्धी, किशन गोपाल शर्मा, रणजीत सिंह, त्रिलोक सिंह, मंगल सिंह शेखावत, नारायण सिंह, सुरेश बालोडी तथा सुमेर सिंह सहित अन्य शामिल थे। न्यायिक कर्मचारी सुनील दग्धी ने बताया कि संघ के आह्वान पर गुरुवार को भी दूसरे दिन सामूहिक अवकाश लेकर न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और जब तक सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते हैं तब तक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। का दूसरा दिन हमारे सामूहिक अवकाश का हमारे साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई थी और उसकी लाश एक अधिकारी के निजी आवास की छत पर पाई गई थी जिसकी सीबीआई से जांच करवाने एवं उसको उचित न्याय दिलवाने के लिए जो कर्मचारी संघ ने आह्वान किया था उस आह्वान के संदर्भ में हमारी ये सामूहिक अवकाश सभी ब्यावर की न्यायिक कर्मचारी संघ ने रखी है जो कल भी थी आज भी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा यथावत जारी रहेगी।